जैसे इसको भड़काएंगे बहुत ही तेजी से भड़केगा और इसमें जो भी न्यूट्रॉन्स होंगे एकदम तेजी से जाएंगे एकदम लड़ाई करने के लिए, ठीक है, एकदम भड़केंगे सब, तेजी से लड़ाई करने जाएंगे सब, खूब ढेर का मात्रा में एकदम जाएंगे सब, एकदम ज्यादा मात्रा में जाएंगे सब। हाई कहेगा कैडमियम, रुक इतना कहाँ जा रहे हो सब, कुछ को अपने पास रख लेगा, कहेगा कि तुम जाओ पहले लड़ लो, जब वो सब लड़ लेंगे सब, जब खत्म हो जाएगा तब दूसरे को छोड़ेगा, ठीक है। जय हिंद। तो आज की वीडियो में समझने वाले हैं परमाणु बिजली घरों के बारे में, यानी जो भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारे यहाँ पे भारत में बैठाए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे यहाँ पे परमाणु बिजली घरों को बनाए गए हैं। और इसमें हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आखिर क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर आपको जानना बहुत जरूरी है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और परमाणु बिजली घर जो कहाँ कहाँ पे हैं या आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए इस बारे में समझ लेते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वो आखिर होते क्या है, यानी जो हमारे परमाणु बिजली घर जो है वो आखिर क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए परमाणु बिजली घर जो होता है ना, यानी आपको इसमें आपको देखते ही यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि परमाणु से बिजली, यानी परमाणु से हम यहाँ पे बिजली बनाएंगे। परमाणु में भाई किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परमाणु में अगर हम बात करें तो यानी जो भी हमारे परमाणु होते हैं, ठीक है, परमाणुओं में हमारे यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यूरेनियम का। यूरेनियम भाई क्या करता है कि अगर उसमें एक बार अगर उसमें आग लग गई ना तो बहुत ही तेजी से भड़कता है, ठीक है। तो जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, और ये कुछ देश हैं जिसके बाद बहुत ही मतलब ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, जैसे कजाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है। ये सब कुछ देश हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। तो यूरेनियम से क्या किया जाता है कि परमाणु में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, और इसी से हम भी क्या करेंगे कि यहाँ पे परमाणु बिजली बनाने का प्रयास करेंगे, यानी परमाणु में जो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है इसी से हम यहाँ पे बिजली बनाने का प्रयास करेंगे, तो उसी को हमें परमाणु बिजली घर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यूरेनियम जो होता है, अब आपको बता दें कि यह इतना ज़्यादा महंगा है कि इसके एक ग्राम की कीमत, ठीक है, एक ग्राम की अगर कीमत देखेंगे तो 31,25,000 करोड़ रुपए है, ठीक है, 31,25,000 करोड़ रुपए हैं। तो सोच लीजिए भाई एक ग्राम की कीमत केवल, तो आप समझ सकते हैं भाई ये कितना ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है। तो देखिए, तो वैसे तो हम लोग भाई क्या बताया जाए, यहाँ पर परमाणु में केवल इसका प्रयोग किया जाता है, और ये आपका यहाँ पे जो कि बिजली बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसको समझते हैं किस प्रकार से यहाँ पे परमाणु से यहाँ पे बिजली को बनाया जाता है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें कैसे यहाँ पे परमाणु से बिजली को बनाया जाता है, यानी जो हमारे यूरेनियम होता है उससे कैसे बिजली को बनाया जाता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमारी यहाँ पे दीवार बना दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे गोल सा इस प्रकार से होता है, ये मैं आपको एक ओर से मतलब केवल दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से पूरा गोल सा होता है, गोल सा इस प्रकार से बना दिया जाता है। उसके बाद से इसमें क्या किया जाता है कि देखिए ये दीवार जो है वो इतनी पतली थोड़ी होती है, ठीक है, इसकी दीवार की लगभग मोटाई जैसे आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे घर का जो छत का लिंटर होता है तो वो कितना होता है, लगभग यहाँ पे 6-7 इंच होता होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे जैसे ब्रिज व्रिज बनता है तो उसका जो होता है लंबाई, यानी जो मोटाई होता है वो लगभग 1 फुट से होता है उतना, ठीक है, लेकिन इसकी जो मोटाई होती है ना वो 7 से 8 फीट होती है। सोच लीजिए यह कितना ज़्यादा मोटा होगा, यानी जो दीवार होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। ये दीवार क्या होती है, ये 6 से 7 फीट जो कि मोटी होती है, सोच लीजिए, क्योंकि जब ये न्यूक्लियर जो होता है, यानी जो इसमें हमारे यूरेनियम होता है जो भड़केगा, तो अगर मान लीजिए बहुत तेज़ी से अगर भड़का तो इसमें क्या हो कि यह हमारा फट करके बाहर ना निकल जाए, इसी दीवार में रह जाए, ठीक है, यानी बाहर के लोग यहाँ कोई भी दिक्कत ना हो, तो इसके फटने से कोई भी बाहर यहाँ पे नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ पे इसकी दीवार को बहुत ज़्यादा मोटी बनाई जाती है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो कि इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे मान लीजिए जो कि यूरेनियम को यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है, ये हमारे यूरेनियम यहाँ पर रखा गया, ओके, ये हमारा यूरेनियम है। अब इसमें क्या किया जाता है कि इस यूरेनियम को भड़काने के लिए, ठीक है, क्योंकि यूरेनियम भाई अपने से तो भड़केगा नहीं। अब मान लीजिए कि किचन है, तो किचन में अब भाई कुछ तो रहना चाहिए, कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ पे सलाई चाहे अगर गैस पर खाना पकता है तो हमें लाइटर तो होगा ही, नहीं तो कोई काम ही नहीं होगा भाई किचन का। मैं ये दो चीज़ें रहना भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है, या फिर माचिस होगा या फिर लाइटर होगा। तो इसी प्रकार से यूरेनियम को भी भड़काने के लिए इसमें क्या कुछ तो होना जरूरी है ना। तो इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सबसे ऊपर में, ठीक है, एक ऊपर में इसमें हमारे यहाँ पे जो कि जर्कोनियम के यहाँ पे जो कि लेयर लगा दी जाती है, ठीक है, जर्कोनियम इसको भड़काता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बारूद को भड़काएंगे तो उसमें माचिस लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पे जर्कोनियम इसको भड़काने का करता है यूरेनियम को, ठीक है, तो यूरेनियम को भड़काता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे जैसे इस प्रकार से बना दिया गया, यहाँ पे हमारे यूरेनियम में रख दिया गया, अब यूरेनियम भाई एकदम तेजी से भड़कता है, ठीक है, तेजी से भड़केगा तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स एकदम निकलेंगे बहुत ही तेजी से एकदम मार करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारा एक जो कि छड़ लगा दी जाती है, ठीक है, इसी में हमारे यहाँ पे छड़ लगा दी जाती है, यह हमारा जो कि इसमें छड़ लगा दिया जाता है, यह भाई किसका होता है, तो या फिर बोरान का हो सकता है या फिर कैडमियम का हो सकता है, ठीक है, तो कैडमियम या फिर बोरान की इसमें जो कि छड़ को लगा दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे बोरान को, दोनों में इसको भी यहाँ पे जो कि छड़ को लगा दिया जाता है, यह न्यूट्रॉन की मतलब कि एकदम
तेजी से ना भड़क जाए, इसकी धीमा करने के लिए, इसके मतलब जो वेग होगा उसको धीमा करने के लिए इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए कि क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या बोलता है कि जो भी हमारे यहाँ पे मतलब जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे यहाँ पे जो कि कैडमियम में फिर बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसको। और ये होगा भाई हमारे कंक्रीट की इस प्रकार से दीवार जो कि बना दी जाती है। इतना क्वेश्चन में आ गया। यहाँ पे हमारा यूरेनियम रख दिया गया, ये उसको नियंत्रित करने के लिए यानी जो भी हमारे इसमें यहाँ पे विस्फोट होगा ठीक है उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे यहाँ पे कैडमियम में फिर बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। आगे देखिए, अब इसमें क्या किया जाता है कि इसकी यानी ये जो क्रिया होती है इसमें जब ये भड़कता है ना, तो भड़कता है तो बहुत ही तेज मतलब कि ज़्यादा मात्रा में इसमें न्यूट्रॉन्स एकदम बहुत ही तेजी से निकलते हैं। ठीक है, और जब ज़्यादा न्यूट्रॉन निकलेंगे तो एकदम बहुत इसकी प्रक्रिया जो होगी बहुत ही तेजी से होगी। ठीक है, बहुत ही तेजी से होगी। तो इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें इसकी मतलब जो प्रक्रिया हो उसको थोड़ा मतलब धीमा करने के लिए इसमें मंदक का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इसी में हमें मंदक यानी D2O यानी हमारा भारी जल के रूप में क्या होता है मंदक का कार्य करता है। ठीक है, यानी भारी जल को हम क्या कहते हैं तो D2O कहते हैं। ठीक है, ये हमारा भारी जल होता है। ठीक है, भारी जल ये क्या करता है कि मंदक का कार्य जो कि इसमें करता है। तो याद रखिएगा, स्विमिंग पूल में अगर बात करेगा तो स्विमिंग पूल में अगर आपसे कहेगा ना तो इस प्रकार से स्विमिंग पूल में हमारे पे भारी जल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपको यही बोलेगा कि परमाणु पाइल में किसका प्रयोग किया जाता है तो परमाणु पाइल में इसको धीमा करने के लिए यहाँ पे ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाइल में अगर आपसे बोलेगा ना तो यहाँ पे ग्रेफाइट का प्रयोग जो कि किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट याद रखिएगा इसको, आपसे एग्जाम में जो कि प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये हमारा जो कि परमाणु पाइल का जो परमाणु पाइल होता है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है मंदक को यानी धीरा रेशम को धीमा करने के लिए, तो हमारे यहाँ पे परमाणु पाइल में ग्रेफाइट का। लेकिन हमारे स्विमिंग पूल में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो हमारे इस प्रकार से भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है यानी D2O का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। आगे देखिए, अब इसमें क्या किया जाता है ना, जैसे ये भड़केगा ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक पाइप लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पाइप जाता है और इसमें पूरा एकदम पतली इस प्रकार से पाइप जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से पतली एकदम पाइप जाएगी। ओके, एकदम पतली पाइप जाएगी और इस प्रकार से इधर जो कि हमारा निकल जाएगा, उस प्रकार से ये भी आएगा एकदम पतली पाइप इसमें जो कि जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से और इधर हमारा निकल जाएगा। इधर हमारा बहुत ही बड़ा जो कि ये इधर से मतलब पानी की सप्लाई हमारे इधर से ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे इसको भड़काएंगे, इसमें हमारा पानी की सप्लाई हो रहा है तो जैसे इसको भड़काएंगे बहुत ही तेजी से भड़केगा और इसमें जो भी न्यूट्रॉन्स होंगे एकदम तेजी से जाएंगे एकदम लड़ाई करने के लिए। ठीक है, एकदम भड़केंगे सब, तेज से लड़ाई करने जाएंगे सब, खूब ढेर का मात्रा में एकदम जाएंगे सब, एकदम ज़्यादा मात्रा में जाएंगे सब। हाई कहेगा कैडमियम, इतना कहाँ जा रहे हो सब, कुछ को अपने पास रख लेगा, कहेगा कि तुम जाओ पहले लड़ लो, जब वो सब लड़ लेंगे सब, जब खत्म हो जाएगा तब दूसरे को छोड़ेगा। ठीक है, यानी इसको नियंत्रित कौन करेगा तो हमारे कैडमियम या फिर बोरान की छड़ का काम करेगा। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन जो कि तुरंत एकदम रिएक्शन होगा इसमें और इसमें क्या होगा कि तुरंत भड़केगा और ये जो हमारा इसमें पानी इसमें जा रहा है, जो हमारा पानी जा रहा है वो क्या होगा तुरंत एकदम क्या होगा गर्म हो जाएगा और जब तुरंत गर्म हो जाएगा तो इसमें हमारे यहाँ पे गैस बन जाएगा यानी वाष्प बन के अब उड़ने लगेगा। ठीक है, तो चूंकि हमारे ये तो पाइप में बंद है, तो पाइप में बंद है तो कैसे हमारा बाहर निकलेगा। तो अब देखिए, चूंकि हमारा इधर से तो आ रहा है पानी तो इधर ही तो जाएगा नहीं, गर्म होकर के जाएगा हमारा इस साइड में। ठीक है, गर्म होकर कहाँ पर जाएगा तो हमारा आगे की साइड में जाएगा, क्योंकि हमारे इधर से तो पानी आ रहा है तो इसके द्वारा यानी यूरेनियम के द्वारा हमारे यहाँ पर गर्म हो गया यानी हमारा भड़क गया और ये गर्म हो गया। गर्म होने के बाद अब इसमें जो गर्म जो हवा होगी वो स्टीम अगर कहाँ पे जाएगी तो यही जो हमारा हवा इधर आएगी ना उसी में क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे जो कि आर्मेचर को लगा दिया जाता है। ठीक है, आर्मेचर जो होता है वो हमारा क्या कहता है कि इसको घुमा देता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हमारा आर्मेचर क्या होता है कि जो घूम जाए, ठीक है, जिसको हम घुमा सकें, तो वही हमारा आर्मेचर होता है। तो ये आर्मेचर पे जैसे ही यहाँ पे हवा जो होगी स्टीम हवा, ठीक है, जो हमारी गर्म हवा होगी वो इस प्रकार से इस पर फोर्स लाएगी या जो फोर्स लाएगी तो हमारा क्या होगा कि यह जो कि रोटेट करने लगा यानी घूमने लगेगा। अब जब रोटेट करने लगा तो इसी में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चैन लगा देंगे। ठीक है, चैन लगा करके यहाँ पे एक हम यहाँ पे चैन लगा करके और यहाँ पे हमें क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कि अलग अलग मतलब कि दो इस प्रकार से यहाँ पे चुंबक लगा देंगे, पावरफुल वाले चुंबक। ठीक है, और जब यहाँ पे चुंबक लग जाएगा तो आपको पता है कि जब यहाँ पे दो चुंबकों के बीच में जब एक चुंबक मतलब कि जो रहता है चुंबक या फिर यहाँ पे इसमें भी चुंबक लगा देंगे। ठीक है, इसमें भी, तो जब दो चुंबकों के बीच में एक हमारा चुंबक जो होता है जब इस प्रकार से रोटेट करता है तो इसमें क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या होगा कि हमारे इसमें से करंट जो कि फ्लो होने लगेगा। ठीक है, करंट जो होगा हमारा इसमें फ्लो होने लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब इन करंट का प्रयोग हम अपने जो भी यहाँ पे घर में या फिर किसी में यहाँ पे जो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
जैसे ही हमें टर्बाइन मतलब कि जो है यहाँ पे जो आर्मेचर होगा जैसे ही घूमेगा तो इसमें हमारे यहाँ पे आएगा, और इस विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन होने के कारण हमारे इसमें क्या होगा कि यहाँ पे बिजली जो कि पैदा होने लगेगी। देखिए इतना जो झंझट है ना वो किस लिए किया गया है, केवल और केवल इसको यहाँ पे गर्म करने के लिए किया गया है, यानी इसमें पतली पतली पाइपें लगाए गए ताकि ये बहुत जल्दी से जो कि गर्म हो सके। ठीक है, मोटी लगा देंगे तो भाई टाइम लगने मतलब गर्म होने में टाइम लगेगा, इसीलिए यहाँ पे पतली पाइपों को यहाँ पे लगा दी जाता है गर्म होने के लिए। और यहाँ पे भड़काने के लिए केवल यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। क्यों भाई यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, क्यों नहीं कोयला रख पर कर दिया जाता है, कोयला भी तो भाई जलता ही है ना। देखिए इसमें क्या होता है ना कि यूरेनियम की अगर आप इतनी केवल छोटी ले लेंगे, मैं आपको अभी बताया हूँ कि 1 ग्राम की कीमत 31,25,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो अगर हम इतनी केवल छोटी सी अगर ले लेते हैं एक यहाँ पे रॉड को अगर इसमें डाल देते हैं इसमें, तो यह एक बार जब इसको भड़काएंगे ना तो यह 1 महीने तक जो कि भड़केगा। ठीक है, 1 महीने तक सोच लिए, 1 किलो अगर यहाँ पे यूरेनियम 1 किलो अगर आप यूरेनियम ले लिए हैं और उसको आप भड़काएंगे ना तो वो 1 महीने तक इस प्रकार से एकदम भड़कता रहेगा। ठीक है, और 1 महीने तक उसमें रिएक्शन जो कि होता रहेगा, तो इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। अब कोयला भाई जलाएंगे तो भाई कितना भी करेगा ना तो यूरेनियम इतना तो कर भी नहीं करेगा, इतना आप जान लिए। क्योंकि अब देखिए अब गदर वाला फिल्म भी देखे होंगे, ठीक है, ये तो मतलब कि उसमें कोयला फेंकता है, इस प्रकार से ट्रेन चलती है, पहले इसी पे आधारित पे ट्रेन भी जो कि बनाया जाता है भाप वाला। यहाँ पे क्या क्या किया जाता था, यहाँ पे जो हमारा गैस निकल रहा है यहाँ पे टर्बाइन की जगह पे यहाँ पे जो कि चक्कर लगा दिया जाता था, इस प्रकार से घूमता था, और यहाँ पे जो कि हमारे यहाँ पे जो कि ट्रेन चलती थी, तो इस प्रकार से बनाया जाता था, यानी स्टीम से बनाया जाता था। तो इसमें हमारे यहाँ पे पहले यहाँ पे कोयला का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब भाई कोयला भाई कोई कितना फूकेगा, इसमें हम कोयला भी फूकेंगे तो उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगा, उतना ही विस्फोट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे जो कि यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम जो होता है बहुत ही तेज ब्लास्ट करता है, जिसके कारण ये बहुत ही तेज गर्म होता है, और कई मतलब एक किलो में यहाँ पे जो कि 1 महीने तक ये गर्म मतलब कि यहाँ पे जो कि स्टीम जो कि बनता रहता है। ठीक है, 1 किलो में यहाँ पे 1 महीने तक भर देगा, तो इस प्रकार से यहाँ से पानी जाता रहता है, ये हमारा गर्म होता रहता है। और इसी में यहाँ पे ना देखेंगे आप इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में यहाँ पे बड़ा बड़ा जो कि कूलिंग टावर को भी लगाया जाता है ताकि ठंडा रहे। ठीक है, इस प्रकार से बड़ा बड़ा जो कि कूलिंग टावर को लगाया जाता है, आपने देखा भी होगा, इस प्रकार से इसी में से जो कि गैस जो कि यहाँ पे धुआं निकलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो भी निकलता रहता है, और जो भी यहाँ पे स्टीम जो होता है भाई ठंडा होगा, फिर पानी बनेगा, फिर वो कहाँ पे जाएगा, नीचे ही जाएगा, तो फिर उसको वहाँ पे आ जाता है पानी इसमें। ठीक है, इसमें फिर यहाँ से जाता है, तो इस प्रकार से रिएक्शन जो कि चलता है। ये क्या करता है, जो भी यहाँ पे जो उड़ जाता है यानी गैस जो बन जाता है, आप देखेंगे इसमें सफ़ेद सफ़ेद जो कि धुआं निकलता है। ठीक है भाई, क्यों सफ़ेद निकलता है, सफ़ेद इसीलिए निकलता है क्योंकि यहाँ पे ये कोयला तो है नहीं कि काला काला निकलेगा, इसीलिए यहाँ पे जो कि अब इसमें अगर कोयला जलाएंगे तो ये सब काला हो जाएगा, सब काला हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये यूरेनियम को जलाएंगे तो सफ़ेद धुआं निकलेगा। ठीक है, इसमें आप सफ़ेद सफ़ेद धुआं देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कूलिंग टावर होता है उससे सफ़ेद सफ़ेद धुआं जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया ना, इस प्रकार से हमारा जो कि रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, इस प्रकार से काम करता है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही हमारा बेसिस जो कि होता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। देखिए इसमें रखा जाता है, फिर यहाँ पे बोरान की छड़, यहाँ पे मतलब कि धीमा करने के लिए यहाँ पे मंदक का प्रयोग किया जाता है जो कि D2O, फिर हमारे यहाँ पे पाइप लगाया जाता है, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इसमें झंझट भी होता है। ठीक है, अब हम इसमें समझ लेते हैं कि यहाँ पे किस मतलब कहाँ कहाँ पे हमारे भारत में जो कि ये परमाणु रिएक्टर है, जो कि यहाँ पे परमाणु बिजली घर जो कि उपस्थित है, उसको आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे जो कि नरौरा में, यूपी के नरौरा में, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे नरौरा में। ठीक है, नरौरा यूपी के नरौरा में याद रखिएगा, हमारे यहाँ पे परमाणु जो कि बिजली घर है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बाद यहाँ पे रावत भाटा। ठीक है, ये रावत भाटा है हमारे यहाँ पे, रावत भाटा भाटा राजस्थान में हो जाएगा हमारा रावत भाटा, इसी को हम यहाँ पे राणा प्रताप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राणा प्रताप परमाणु रिएक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आइए तो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे हमारे गुजरात के साइड में, ठीक है, गुजरात में हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काकरा पारा हो जाएगा। उसके बाद से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहला जो कि परमाणु रिएक्टर देखने को मिलेगा तारापुर में। ठीक है, यानी महाराष्ट्र के हम जो मुंबई वाला हमारा एरिया है वहाँ पे तारापुर, ठीक है, तारापुर में आपको यहाँ पे जो कि पहला हमारा 1972 में जो कि लगाया गया था। ठीक है, पहला जो परमाणु रिएक्टर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला परमाणु बिजली घर जो है वो कहाँ पे लगाया गया था, तो हमारे यहाँ पे लगाया गया था। ठीक है, तारापुर यानी मुंबई के यहाँ पे जो कि तारापुर में, ओके। ठीक है, तो ये हमारा महाराष्ट्र के तारापुर में जो कि इसको लगाया गया था। उसके बाद आप नीचे आ जाइए तो नीचे आएंगे जैसे ही तो आपको यहाँ पे कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कैगा। ठीक है, कर्नाटक में कैगा, ओके, कर्नाटक में हमारा कैगा जो कि परमाणु बिजली घर हो जाएगा। नीचे आ जाइए आपको इस साइड में, ठीक है, चेन्नई में आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हमारे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु की चेन्नई में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमारे यहाँ पे कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओके। उसके बाद से आप यहाँ पे आ जाएंगे नीचे की साइड में तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि यहाँ पे आपको उड़ान कुल्लम। ठीक है, उड़ान उड़ान कुल्लम कुल्लम
तो इस प्रकार से हमारे जो कि कुछ यहाँ पे जो कि सात आप देख लीजिए, यहाँ पे सात हमारे यहाँ पे परमाणु रिएक्टर जो कि यानी परमाणु बिजली जो घर हमें जो कि देखने को यहाँ पे मिल जाएगा आपको भारत में, ठीक है। तो हमारे जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है भारत में भाई कितने तो समय जो कि सात जो कि उपस्थित है, ठीक है। और भी इसमें बनाने की जो कि प्रयास किया जा रहा है, और भी यहाँ पे हरियाणा के आपके यहाँ पे गोरखपुर में जो कि बनाया जाएगा, ठीक है, हरियाणा गोरखपुर में और आपका महाराष्ट्र के जैतपुर में, तो यहाँ पे और भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बनाने के बाद उसको मैनेजमेंट यानी जो कंट्रोल करना है वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्टर भड़कता है ना तो इसकी गैस जो होती है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है, यूरेनियम जो भड़कता है इसकी गैस जो होती है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि इससे कई सालों तक लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि यह लोगों के जैसे ये मतलब फटेगा ना तो ये क्या होता है गैस के रूप में होता है, गैस के रूप में होता है तो इससे बहुत सारी बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस निकलता है, और ये गैस जो होता है हमारी डीएनए को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है, डीएनए को, ये हमारे डीएनए को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो डीएनए को जैसे ही चेंज कर देगा तो अब भाई डीएनए से ही भाई सब कुछ होता है ना, तो डीएनए अब जैसे ही चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे अब नाक आँख कान सब कैसे कैसे होगा सब डीएनए ही तो यहाँ पे तय करता है ना, तो जैसे ही अब डीएनए चेंज हो जाएगा तो अब भाई वहाँ पे कोई लूला होगा लंगड़ा होगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जो कि लोग वहाँ पे पैदा होने लगेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे डीएनए को यहाँ पे चेंज कर देता है। और इसी को मतलब कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे चेरनोबिल दुर्घटना यूक्रेन का आप देख लीजिए वहाँ पे भी हुआ था, अभी तक वहाँ पे जो कि उसका मतलब कि रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब कोई भी वहाँ पे जा रहा है भाई सब मर जा रहा है, ठीक है। और उस प्रकार से आप यहाँ पे जापान में देख लीजिए वहाँ पे फुकुशिमा में उसका अपने परमाणु रिएक्टर भड़क गया था, तो जिसके कारण अब वहाँ पे हिरोशिमा में नागासाकी में जो कि परमाणु जो कि हमला किया गया था जिसके कारण वहाँ पे भी लोगों की बहुत ज़्यादा मौत हो गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे परमाणु रिएक्टर जब भड़कता है ना, और जब जापान में जब भड़का था ना तो अब कह दिया है कि 2050 तक हम कोई जो कि परमाणु बिजली घर हमारे यहाँ नहीं होगा, इतना ज़्यादा वह भूकंप आता है कि उसका जो फुकुशिमा वाला परमाणु रिएक्टर था वो खुद भड़क गया। तो अब बोला है कि 2050 तक हम यहाँ पे कोई भी परमाणु रिएक्टर मतलब कि बिजली घर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप भूकंप जो कि देखने को मिल जाता है, तो उसके कारण हमारे हो गया। और ये हमारे जो कि डीएनए को चेंज कर देता है, और याद रखिएगा इसकी मतलब कि जो मतलब रिएक्शन होता है उसको कम करने के लिए, जैसे मान लीजिए अब सांस को ले लिए तो अब इसको अब जो फेफड़ा होता है उसको गलाने लगता है, ठीक है, तो फेफड़ा गल जाएगा, तो जिसके कारण क्या किया जाता है कि पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाई जाता है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड की जो कि गोली खा ली जाती है, और पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है ना कि वो उस गैस को यहाँ पे गले से मतलब नीचे नहीं जाने देता है, ताकि आपको यहाँ पे जो ज़्यादा मतलब प्रभाव ना पड़ सके, तो पोटेशियम आयोडाइड की गोली जो कि खा ली जाता है ताकि यहाँ पे जो कि मतलब कि जो गैस होता है वो गले से नीचे ना उतर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, यहाँ पे पूरा फेफड़े जो कि गलने लगता है, तो सोच सकते हैं आप कितना खतरनाक होगा। तो यही बात है कि लगाना, देखिए यहाँ पे कोई भी परमाणु बिजली घर जो लगाना उसको बड़ी बात नहीं है, उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, और अपने मान लीजिए कोई भी भूकंप आ गया तो भड़क गया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बहुत ही करोड़ों लोगों की जान जो कि जा सकती है। तो या यूके लोगों को समझ में आया होगा कि परमाणु बिजली घर जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, कितने पावर प्लांट हमारे यहाँ पे लगाए गए हैं, सात हमारे यहाँ पे जो लगाए गए हैं, और ये न्यूक्लियर जो रिएक्टर वो होता है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आसानी से जो क्लियर हो गया होगा, किस प्रकार से यहाँ पे परमाणु यहाँ पे यूरेनियम से जो कि बिजली को बनाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आज की शोर में तैयार होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।